राम राम जी। दोस्तों जब भी 10वीं कक्षा का या 12वीं कक्षा का रिजल्ट आता है तो सैकड़ों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोस्तों कभी आपने सोचा है कि इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों वजह है बच्चे के ऊपर प्रेशर इतना होता है कि उसे सुसाइड करने पड़ती है, वो मजबूर हो जाता है। और प्रेशर डालते कौन है? आपका माहौल, आपके माता पिता। यहां पर मैं माता पिता के बारे में बात करूं। देखिए आज हर माता पिता अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करता है ताकि उसका बेटा बेटी सक्सेस हो जाए। यदि हम लाखों रुपए अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हैं तो जो हमारी उम्मीद है अपने बच्चों से वो बढ़ भी जाती है। दोस्तों हम बार बार अपने बच्चों को दिन में एक बार तो हम एहसास जरूर कराते हैं बेटा कि मैंने आप पर लाखों रुपए खर्च कर रहा हूं और आपको इस बार डॉक्टर बनना ही होगा, आपको टॉप करना ही होगा, शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। बार बार एहसास कराते हैं जिंदगी में। तो दोस्तों यहां पे बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है, कहीं ना कहीं हम ही सेट कर देते हैं सारी चीजें कि बेटा 95 से ऊपर आए तो तू जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगा, यदि तेरे 70% आ गए तो तेरी तो जिंदगी झंडा है। हम खुद पेरेंट्स अपने बच्चों के मन में सेट करते हैं, माइंड में सेट करते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो दोस्तों यदि वो 70% लेके आता है तो उसको निराश हो जाता है और आपकी कही हुई बात वो मन में सोचता है और तब लगता है कि उसकी तो जिंदगी झंडा, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, तब जाके वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है। दोस्तों यदि जब हम बच्चों को एहसास करा रहे थे कि हमने आप पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, तब आप साथ में एक बात और कह देते कि बेटा या बेटी इस बार तेरे नंबर कम आए, परसेंटेज कम आई, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगली बार बेस्ट कर देना, मैं अगली बार फिर पैसे लगाऊंगा आप पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगली बार अपना बेस्ट दे देना, इस बार रिजल्ट कैसा भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बेटा या आपकी बेटी सुसाइड करने के बारे में जिंदगी में कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन हमने तो सिखाया ही वही था पहले यार कि बेटा 95 से ऊपर आए तो आपकी जिंदगी सेट है, तो ही आप बड़ा कर पाओगे। तो दोस्तों यहां पे बताना चाहूंगा कि परसेंटेज आपकी जिंदगी में ये सेट नहीं करते कि आप फ्यूचर में क्या कर पाओगे, आप बड़ा करोगे या नहीं करोगे, परसेंटेज से कुछ नहीं होता। दोस्तों आपको क्या करना है, जिंदगी के सही चीजों को सीखना है तो आप बड़ा कर पाओगे। आज सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे, सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे इतिहास में जो बार बार फेल हुए हैं अपनी 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, आगे की पढ़ाई में, लेकिन आज उनका नाम सिलेक्टेड टॉप लिस्ट में है। और हजारों ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो अपनी क्लास में टॉप किया था और आज वो कमरे में बंद होकर नशा कर रहे हैं, नशेड़ी बने हुए हैं। तो मेरा मकसद यही है दोस्तों, परसेंटेज डिसाइड नहीं करती आपकी जिंदगी का फ्यूचर क्या है, आपकी लाइफ का फ्यूचर क्या है। आप बस थोड़ा जो माता पिता है वो अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि आपके इस बार नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं है, आप अगली बार मेहनत करना, हम आपके साथ हैं, तो आपका बच्चा कभी सुसाइड नहीं करेगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, और यदि आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेंगे तो आपका बच्चा अगली बार टॉप भी करेगा, बेस्ट भी करेगा, सभी पेरेंट के साथ, सभी ग्रुप्स में, सभी दोस्तों के साथ, सभी जिनका रिजल्ट आने वाला है सभी के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि इस बार कुछ ऐसा ना हो। ये वीडियो आपने यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।